हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष है और आप सभी का स्वागत है इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल सीरीज़ में, जिसमें हम एक वीडियो प्लेयर एप्लीकेशन बना रहे हैं। सो इस वीडियो में हम हमारी एप्लीकेशन में एक रिसाइकलर व्यू एंड उसका अडेप्टर ऐड करने वाले हैं। सो अगर आपको पता है रिसाइकलर व्यू क्या है तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता तो आप थोड़ी सी गूगल सर्च कर सकते हो। फॉर दिस वीडियो मैं आपको सिंपली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो आपको सामने व्यू दिखाई दे रहा है, एक वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, सो ये जो आपको अरेंजमेंट दिखाई दे रही है इन वीडियोज़ की, ये रिसाइकलर व्यू है। ओके, सो रिसाइकलर व्यू हमारी हेल्प करता है किसी भी चीज़ को लीनियर लिमिट्स वन आफ्टर अनदर अरेंज करने के लिए, या इस तरह से अरेंज करने के लिए वन आफ्टर अनदर। सो मैं आपको हाईली रिकमेंडेड करूँगा कि आप एक बार सर्च करें व्हाट आर रिसाइकलर व्यू, अगर आपको नहीं पता। सो टू ऐड रिसाइकलर व्यू इन आर प्रोजेक्ट, हमें एक्चुअल में चार स्टेप्स फॉलो करने। सबसे पहले हमें एक व्यू बनाना है जो हमने लास्ट वीडियो में बना लिया, जो यहाँ पे हमें शो कराना है। एंड उसके बाद हमें रिसाइकलर व्यू ऐड करना है। एंड थर्ड थिंग इज हमें उसका एक अडेप्टर बनाना है। एंड फोर्थ थिंग हमें उसे इनिशियलाइज करना है। ओके, सो लेट जस्ट स्टार्ट। सो अब सबसे पहले रिसाइकलर व्यू ऐड करते हैं। सो जो रिसाइकलर व्यू है मैं हमारे फ्रेगमेंट वीडियोस में ऐड करने वाला हूँ। ओके, सो इसमें आ जाता हूँ क्योंकि मैं इसमें शो कराना चाहता हूँ। एंड मिस टोटल वीडियोज़ के बाद ये जो टेक्स्ट व्यू है इसके बाद अडेप्टर ऐड करना चाहूँगा। सो रिसाइकलर व्यू, जस्ट सर्च रिसाइकलर व्यू एंड हमारा काम हो जाएगा। मैच पैरेंट एंड रैप कॉन्टेंट, ओके, एंड स्क्रोल बार वर्टिकल, ये एक प्रॉपर्टी मीन्स मैं वर्टिकली स्क्रोल बार रखना चाहता हूँ। एंड हमें स्क्रोल बार की एक आइकन भी देनी पड़ेगी, बट हम शायद इसके साथ बाद में डील कर लेंगे। एंड नाउ इसे एक आईडी भी प्रोवाइड करते हैं। सो आईडी एंड मैं इसका नाम रख रहा हूँ वीडियो रिसाइकल व्यू RV। एंड मैं इस वीडियो व्यू को भी एक आईडी प्रोवाइड करना चाहता हूँ। सो आईडी टोटल वीडियोस, ओके, एंड दैट्स इट। सो हमारा स्टेप नंबर टू जो है वो हो चुका है, मीन्स हमें जो एक रिसाइकल व्यू ऐड करना था हमने कर दिया, हाँ दैट्स इट। एंड जो स्टेप नंबर थ्री है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, सो हमें एक अडेप्टर बनाना पड़ेगा। सो बिफोर क्रिएटिंग अडेप्टर हमें पता होना चाहिए अडेप्टर करता क्या है। सो अडेप्टर हमारी हेल्प करता है रिसाइकलर व्यू एंड हमारी जो स्क्रीन है या जो एक्टिविटी है उसके बीच में कनेक्शन करने के लिए। ओके, सो वो डिसाइड करता है कि आइटम के अंदर का कंटेंट क्या होना चाहिए, मीन्स कहाँ पे कौन सी इमेज दिखनी चाहिए, कहाँ पे कौन सा टेक्स्ट दिखना चाहिए, एक्सेट्रा। सो हमें एक अडेप्टर क्रिएट करना है। सो प्रोजेक्ट पे क्लिक करो एंड इसमें राइट क्लिक ऑन इट, न्यू कॉटलिन क्लास फाइल, एंड मैं इसका नाम रखने वाला हूँ वीडियो अडेप्टर एंड जस्ट हिट एंटर। एंड वीडियो अडेप्टर क्लास बन चुकी है। अब इसके आगे हमें कुछ लिखना है। सबसे पहले मैं इसे कॉन्टेक्स्ट पास करना चाहूँगा। ओके, ये ज़रूरी है। सो प्राइवेट, प्राइवेट मीन्स सिर्फ यही क्लास एक्सेस कर सके, इसलिए वैल एंड कॉन्टेक्स्ट। वैल मीन्स सिर्फ वो एक बार इनिशियलाइज होगा एंड कॉन्टेक्स्ट, ओके, सो वो कॉन्टेक्स्ट लेगा एंड उसके बाद वो एक वीडियो की लिस्ट लेगा। सो फिलहाल हम लोग जो वीडियो लिस्ट है प्राइवेट एंड वैल या वैर वीडियो लिस्ट, हमें यहाँ पे वैर की ज़रूरत है इसलिए मैंने वैर रखा है। एंड फिलहाल के लिए जो वीडियो लिस्ट है वो सिर्फ स्ट्रिंग की एरे लिस्ट होगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। सो एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, ओके, हम लोग बाद में जब वीडियो लोड करेंगे तो हम लोग इसे चेंज कर देंगे। एंड इसके बाद यहाँ पे हमें कुछ लिखना है। ओके, सो यहाँ पे रिसाइकलर व्यू, सिंस ये अडेप्टर है कैसे पता चलेगा, इसलिए हमें ये लिखना है रिसाइकलर व्यू डॉट अडेप्टर। एंड यहाँ पे हमें व्यू होल्डर क्लास पास करनी है। ओके, सो यहाँ पे सिंपली आपको ऐसे पास करना है वीडियो अडेप्टर, जो भी आपके क्लास का नेम है डॉट, एंड यहाँ पे आप कोई भी नेम दे सकते हो। इन माई केस में इसे माई होल्डर रख रहा हूँ। ओके, एंड यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा एंड हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है। सो सबसे पहला ये वार्निंग देखते हैं। सो ये कह रहा है कि आपको ये मेथड्स इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। सो जस्ट क्लिक ऑन ओके एंड ऑटोमेटिकली ये कोड आ जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे ये जो माई होल्डर क्लास है बोल रहे हैं नहीं क्रिएट की गई, सो क्रिएट क्लास, एंड मैं चाहता हूँ ये वीडियो अडेप्टर क्लास के अंदर हो। सो ये भी क्रिएट हो जाएगी। एंड इसके अंदर हमें और भी बहुत कुछ करना है। सो इसके अंदर मैं एक बाइंडिंग का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करूँगा। सो बाइंडिंग एंड ये वीडियो व्यू बाइंडिंग जो मुझे दिखाई दे रही है, जो इसका नाम वीडियो व्यू है, सो मैं इसे वीडियो व्यू बाइंडिंग से इनिशियलाइज करने वाला हूँ। सो वीडियो व्यू बाइंडिंग एंड ये कुछ रिटर्न करेगा हमें यहाँ पे बताना है। सो रिसाइकल व्यू डॉट व्यू होल्डर, सिंस ये एक व्यू होल्डर है, ओके, एंड इसके अंदर बाइंडिंग डॉट रूट, इतना सा हमें पास करना है एंड हमारा काम हो जाएगा।
ओके सो हमने अडैप्टर क्लास बना ली, अभी हम इसके अंदर कुछ चेंजेस करने सो कंटेंट की जगह पे एक्चुअल में कॉन्टेक्स्ट चाहता हूँ. सो सबसे पहला फंक्शन जो है वो ये है ऑन क्रिएट व्यू होल्डर. सो ये तब कॉल होता है जब कोई व्यू क्रिएट होता है. ओके सो इसके अंदर हमें कुछ रिटर्न कराना है, सिंस ये एक वीडियो अडैप्टर डॉट माई होल्डर रिटर्न करता है, हमें यही माई होल्डर ही यहाँ पे रिटर्न कराना है. सो जस्ट रिटर्न माई होल्डर एंड आप देखोगे हमें माई होल्डर रिटर्न करने के टाइम पे एक बाइंडिंग का ऑब्जेक्ट भी भेजना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है. सो यहाँ पे वीडियो व्यू बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट एंड इसके अंदर सिंस हमें एक लेआउट इन्फ्लेटर पास करना है एंड हमारे पास लेआउट इन्फ्लेटर नहीं है सो हम इस कॉन्टेक्स्ट की मदद से लेंगे लेआउट इन्फ्लेटर एक्सेस करने के लिए मेन एक्टिविटी का. ओके सो यहाँ पे फ्रॉम सो लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम एंड यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा. सो आप देखोगे सब कुछ प्रॉपर है बट मैं यहाँ पे एक दो एट्रीब्यूट्स और एक्स्ट्रा पास करना चाहता हूँ. सबसे पहला है पेरेंट ओके जो हमें यहाँ पे मिला है व्यू ग्रुप एंड उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है वो है फॉल्स. अब ये फॉल्स इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता है पेरेंट्स से अटैच हो एंड उसके बाद ये ऑन बाइंड व्यू होल्डर तब कॉल होता है जब व्यूज इनिशियलाइज होने वाले या वो स्क्रीन से अटैच हो रहे होते. सो इस फंक्शन के अंदर हम लोग इमेज सेट करते या टेक्स्ट सेट करते एक्सेट्रा. सो यहाँ पे अब मैं फिलहाल के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ टेक्स्ट चेंज करूँगा एंड उसके लिए मुझे माई होल्डर के रेफरेंस का हेल्प लेना पड़ेगा. सो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ वैल एंड मैं इन आईडीज को यहाँ से एक्सेस करने वाला हूँ, ये जो आईडीज है. सो लेट्स से मैं इस वाले को एक्सेस करना चाहूँगा हमारे वीडियो नेम को. सो वैल टाइटल में इसे टेक्स्ट रख लेता हूँ, टाइटल इज इक्वल टू एंड सिंपली बाइंडिंग डॉट एंड वीडियो नेम एंड मैं इस टाइटल को यहाँ पे एक्सेस करूँगा क्योंकि यहाँ पे एक होल्डर का ऑब्जेक्ट है. सो होल्डर डॉट टाइटल डॉट टेक्स्ट एंड जो भी हम लोग इसे स्ट्रिंग में पास करेंगे उसका जो भी इंडेक्स हो मीन जो भी पोजीशन हो उस हिसाब से टेक्स्ट सेट हो जाना चाहिए. सो सिंपली वीडियो लिस्ट एंड यहाँ पे पोजीशन पास कर दोगे तो काम हो जाएगा. सो जो भी स्ट्रिंग होगी एंड ये जो लास्ट मेथड है गेट आइटम काउंट मीन्स कितनी टोटल आइटम्स है. सो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला, वीडियो लिस्ट मीन्स रिटर्न वीडियो लिस्ट डॉट साइज एंड दैट्स इट. हमारा वीडियो अडैप्टर क्लास फिलहाल के लिए तैयार हो चुका है, हमें इसके अंदर बहुत वर्क करना है फ्यूचर में एंड नाउ द फाइनल स्टेप इज हमें इसे इनिशियलाइज करना है हमारे फ्रेगमेंट के अंदर क्योंकि हम लोग वहाँ पे शो कराना चाहते हैं एंड यहाँ पे कुछ वार्निंग्स है सो मैं इन वार्निंग्स को भी ठीक करना चाहूँगा. सो बोल रहे रिडंडेंट क्वालिफायर मीन्स इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसे हटा सकते हो, कोड को कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है एंड मैं इसे हटा देता हूँ सिंपली. ऑल राइट एंड उसके बाद मेन एक्टिविटी में आ जाते हैं एंड यहाँ पे भी दो वार्निंग्स है. सो इन दो वार्निंग्स को भी ये लोग कह रहे हैं कि आप इन्हें प्राइवेट कर सकते हो, कोई दूसरी क्लास इन्हें एक्सेस भी नहीं कर रही. सो ऐसे रखने का फ़ायदा नहीं, सो मैंने इन्हें प्राइवेट कर दिया है एंड नाउ जो हमारा वर्क है वो एक्चुअल में इस वीडियोस फ्रेगमेंट के अंदर है. सो वीडियोस फ्रेगमेंट में आ जाओ एंड इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी करने वाला हूँ ओके या कट कर लूँगा एंड मैं इसे ऊपर लिखने वाला हूँ यहाँ पे व्यू इनिशियलाइज करने के लिए. सो वैल व्यू इज इक्वल टू एंड इसे पेस्ट कर दो एंड नाउ अब मैं चाहता हूँ ये व्यू रिटर्न हो जाए यहाँ से. मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, उसी कोड को एक व्यू के अंदर लिख के यहाँ पे पास कर दिया है एंड फाइनली यहाँ पे हमें कुछ वर्क करना है इसलिए मैंने व्यू किया. यहाँ पे मैं एक बाइंडिंग बनाने वाला हूँ. सो वैल एंड मैं इसे डायरेक्टली बना रहा हूँ फिलहाल के लिए बाइंडिंग. अगर ये क्लास एक एक्टिविटी होती तो मैं एक्टिविटी बाइंडिंग लिखता, सिंस ये एक फ्रैगमेंट है सो फ्रैगमेंट वीडियो बाइंडिंग डॉट यहाँ पे हम लोग बाइंड का यूज़ करने वाले ओके एंड यहाँ पे अगर मैं व्यू पास कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा एंड उसके बाद इस बाइंडिंग को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं. अगर आप देखोगे बाइंडिंग डॉट ये टोटल वीडियोस एंड हम इसे एक्सेस कर सकते हैं. सो वीडियो व्यू आर वी मीन्स हम लोग रिसाइकलर व्यू को एक्सेस करें, हमें कुछ प्रॉपर्टीज सेट करनी है यहाँ पे. सो रिसाइकलर व्यू की सबसे पहली प्रॉपर्टी लेट से सेट हैज फिक्स साइज एंड इसे ट्रू कर दो, जिसका मतलब है कि कुछ फिक्स साइज रहेगा रिसाइकलर व्यू का एंड इससे हमारी मेमोरी काफ़ी बचती है इसलिए. एंड बाइंडिंग डॉट वीडियो व्यू आर वी डॉट सेट आइटम व्यू कैश साइज, कितनी आइटम्स एक टाइम पे कैश पे होनी चाहिए. सो मैं इसे 10 रख रहा हूँ मीन्स 10 एडवांस में हो ज़्यादा से ज़्यादा. एंड उसके बाद हमें इसे अडैप्टर भी पास करना पड़ेगा जो हमने क्रिएट किया है, हमें इसे एक लेआउट इन्फ्लेटर भी पास करना पड़ेगा. सो ये सुनने में काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगता है फॉर अ बिगिनर बट आपको हैबिट हो जाएगी. डॉट लेआउट इन्फ्लेटर या लेआउट मैनेजर इज इक्वल टू लीनियर लेआउट मैनेजर
एंड यहाँ पे सिंस हमारे पास कॉन्टेक्स्ट नहीं है क्योंकि एक फ्रैगमेंट है, तो हमें यहाँ पे रिक्वायर कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ेगा एंड हमारा काम हो जाएगा। एंड उसके बाद बाइंडिंग डॉट वीडियो आर वी डॉट अडैप्टर इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे एक अडैप्टर क्रिएट करना पड़ेगा। सो मैं यूज़ कर रहा हूँ वीडियो अडैप्टर एंड इसके अंदर हमें दो चीज़ें पास करनी, पहली थी कॉन्टेक्स्ट, सो मैं यहाँ पे रिक्वायर कॉन्टेक्स्ट पास करूँगा। एंड नेक्स्ट जो थिंग थी, यहाँ पे एक वीडियो लिस्ट दिखा रही है, सो सिंस हमारे पास वीडियो लिस्ट नहीं है, मैं एक टेम्पररी लिस्ट यहाँ पे बनाने वाला हूँ। सो वैल टेम्प लिस्ट इज इक्वल टू एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स एंड मैं इसे यहाँ पे इनिशियलाइज भी कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स भी ऐड कर लेता हूँ। सो टेम्प लिस्ट डॉट एड एंड लेट्स से फर्स्ट वीडियो एंड मैं इसे ही कॉपी करने वाला हूँ कुछ टाइम्स, कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड सो ऑन। ओके, आप मल्टीपल आइटम्स के साथ ट्राई कर सकते हो, फिलहाल के लिए मेरे लिए इतनी बहुत है। एंड यहाँ पे अगर मैं टेम्प लिस्ट पास करूँगा तो मेरा काम हो जाएगा। नाउ अब एक बार हमारी एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। सो फाइनली ग्रेडल बिल्ड हो चुका है, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है एंड दैट्स इट। हमारा रिसाइक्लर व्यू काफ़ी प्रॉपर दिखाई दे रहा है एंड आई नो फॉर अ बिगिनर रिसाइक्लर व्यू लुक्स अ लिटिल बिट ऑफ कॉम्प्लेक्स, बट रिमेंबर फोर स्टेप्स। फर्स्ट, आपको सबसे पहले एक व्यू क्रिएट करना है। सेकेंड, रिसाइक्लर व्यू आपके व्यू के अंदर ऐड करना है। थर्ड, एक अडैप्टर क्रिएट करना है रिसाइक्लर व्यू के लिए। एंड फोर्थ, उसे इनिशियलाइज करना है। सो ये मेरे पर्सनल स्टेप्स है जो मैं यूज़ करता हूँ जब मैं एक रिसाइक्लर व्यू क्रिएट करता हूँ। So I hope you enjoyed the video. Thank you for watching and bye bye.